पिछले 3 दिन से उम्मीद लगा के बैठे, तुम्हार मेहरारू सबका अंधेरे में रखे है, महतारी बनने वाली है, सबका ध्यान खींचे पे आमादा है, लेकिन कहता हूँ कुछ नहीं ना बेटा, मजाक तो हमारे साथ हुआ है। पूरा घर किसना बो की देखभाल में लगा है, हम की हर मांग पूरी करे के खातिर लगे हुए थे, बाकी आप समझ में आए गोवा यार, सब समझ में आए गोवा। सही कह रहे ससुर जी, ये प्रतिज्ञा की हर इच्छा पूरी करने के फेरा में पड़े थे। बाकी ये प्रतिज्ञा के कहने पे ठाकुर परिवार की बहुरिया को पागल के अस्पताल भी भेज दिया। वो तो अच्छा है ना कि प्रतिज्ञा का पेट का सच्चाई सबके सामने आ गई, न जाने काका मांग देती। ससुर जी से पेट के आड़ में धन जायदाद दौलत ये सब मांग लेती। ए बंद कर अपनी बकवास, आप सब बता रहे हो तुमका प्रतिज्ञा के बारे में, कुछ और गलत नहीं बोलना तुमका, साला नहीं तो जॉन मुंह से तुम्हारी बोली निकल रही है ना, साला धूप भी नहीं निकली कि ऐसा पूछ देंगे तुमका। अब अगर एक को लफ्ज भी तुम प्रतिज्ञा के लिए बोली ना तो ये जान लो बहुत बुरा हो जाएगा, समझो। गायब है, है? नौकरानी नहीं है, तुम्हारी बड़की बोझाई है, समझे? तमीज और तेजीब से बात करना, इज्जत के साथ ना साला जुबान खींच लेंगे तुम। ए सत्ती भाई, बड़ों की इज्जत तब तक जब तक वो अपने छुटकू कैसे खिल्ली न उड़ाए, समझो। और अभी तक तो जवान ही ने बहुत कुछ संभाले हैं, समझोगे ने? बाकी हमका ने भौजाई का समझाया जो कह के तुम्हें बहुत अच्छे से जानते, साला बहुत बहुत बुरा हो जाएगा। ए बाबा शांत हो जा बेटा, अरे इन लोगन के तो यही काम है, तू सवेरे सवेरे काम पर जा रहा, जा शांत मन से जा बेटा। अरे का खास मन शांत करें, साला यहाँ हमारे घर में हमारे सामने हमारी बीवी का ऐसे खाई पी जैसी टुच्ची मुच्ची चीजों को लेके मजाक उड़ाया जा रहा, साला कह रहे हो शांत हो जाए। एक बात तुम सबका साफ साफ बता देते, इतना कमाए लेते हैं कि अपनी बीवी की हर जरूरत को ना 1000 बार पूरा कर सकते हैं। ये ना ये धौस ना दिखाओ तुम सब हमका। ए बाबू चलो तुम हमारे साथ, हम आज बाहर खाना खाएंगे, चलो तुम। कृष्णा छोड़ो ना प्लीज, गुस्सा छोड़ दो। अरे यार तुमका कुछ कह रहे हो का मतलब है, हम कह रहे हैं ना चलो हमारे साथ, बस चलो, हम कह रहे हैं तुम चलो यार।